भारत में प्रेम कहानियों की ऐसी मिसाल है जिनके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट और हीर रांझा। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जिसमें दोनों लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर ही देखी थी और जब वे एक दूसरे से मिले तो एक महायुद्ध हुआ। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी की। वैसे तो हर कोई इन दोनों की अमर प्रेम कहानी को जानता है, लेकिन एक सच ऐसा भी है जो कि इन दोनों की प्रेम कहानी का हिस्सा होकर भी इतिहास ने प्रेम के इस पन्ने को शायद भुला दिया। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि पृथ्वीराज और संयोगिता ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, बल्कि इन दोनों को एक दूसरे की तस्वीरों को देखकर ही प्रेम हो गया था। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी और ऐसा कहा जाता है कि वे अपने समय की बेहद खूबसूरत स्त्री भी थी। कहते हैं एक बार उनके राज्य में एक चित्रकार आया जिसके पास कई राजाओं के चित्र थे। उनमें से एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था जिसका पूरे राज्य की स्त्रियों में जिक्र हो रहा था। जब इस बात की खबर संयोगिता को चली तो उन्होंने भी पृथ्वीराज के चित्र को देखने की इच्छा जताई। हालांकि संयोगिता पृथ्वीराज की शौर्य गाथाओं से अच्छी तरह परिचित थी, पर अभी तक उन्होंने पृथ्वीराज को देखा नहीं था। जब पहली बार संयोगिता ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो बताते हैं कि उस चित्र को देखने के बाद वे पृथ्वीराज को अपना दिल दे बैठी। इस बात को संयोगिता बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके बाद भी संयोगिता ने पृथ्वीराज से विवाह का निर्णय लिया। धीरे धीरे संयोगिता ने पृथ्वीराज को संदेश भिजवाना शुरू किया और प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज से धीरे धीरे दोनों में संदेशों के जरिए बातें होने लगी। इससे पहले पृथ्वीराज ने भी संयोगिता का चित्र देखा था। जब इस बात की खबर जयचंद को लगी तो उसने तत्काल ही संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की खबर जब पृथ्वीराज को चली तो वे तुरंत ही कन्नौज की तरफ रवाना हो गए। इधर जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के उद्देश्य से उनका पुतला अपने दरवाजे के पास खड़ा करवा दिया, पर उस स्वयंवर में उपस्थित अन्य राजाओं को छोड़कर संयोगिता ने पृथ्वीराज के उस पुतले को वरमाला डाल दी। बताते हैं कि उस पुतले के पीछे स्वयं पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए थे। वरमाला पढ़ते ही पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े, जहां इन दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया। इधर जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया, इन दोनों ने, जिसको खुद पृथ्वीराज ने 16 बार युद्ध में हराया था। पर जब अपने ही देश में विश्वासघाती हो तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। तराइन का वह अंतिम युद्ध था जिसमें धोखे से गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और गजनी ले गया, जहां उनको कई यातनाएं दी गई और साथ ही पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं। पर गौरी को शायद ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे और एक दिन अपने मित्र चंद्र वरदाई की मदद से भरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने बाण से मार डाला। दुश्मनों के हाथों मरने से बेहतर दोनों मित्रों ने एक दूसरे को चाकू मारा और मातृभूमि पर शहीद हो गए। कहते हैं कि जब पृथ्वीराज की मृत्यु की खबर संयोगिता को मिली तो वे भी सती हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई कि संयोगिता का सती होना सच है या झूठ, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी का ये पन्ना उतना ही सच है जितने की अन्य। ऐसे ही विचित्र रहस्यों से रूबरू होने के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।